जननायक जनता पार्टी महिला विंग ने पिंजौर में सदस्यता अभियान चलाया, कई महिलाओं को जेजेपी पार्टी में किया शामिल। जननायक जनता पार्टी महिला विंग की जिला अध्यक्ष अंजू राय के नेतृत्व में पिंजौर शहर की दर्जनों महिलाओं को जेजेपी पार्टी में शामिल करवाया गया। जजपा महिला विंग की इस सदस्यता अभियान में रीटा शर्मा को रविवार को जिला पंचकुला महिला विंग का उपाध्यक्ष चुना गया है। वही चेतना को जिला पंचकुला संगठन सचिव, सीता देवी को सचिव का ओहदा देकर उन्हें सम्मानित किया गया था। कार्यक्रम में मिलन बावा अन्य महिलाएं भी शामिल हुई। इस मीटिंग में दर्जनों महिलाओं को पार्टी का झंडा देकर सम्मानित किया गया था। उन्होंने इसके लिए महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की नीतियों से खुश होकर ही महिलाएं जेजेपी पार्टी ने ज्वाइन की है। जननायक जनता पार्टी महिला विंग जिला अध्यक्ष अंजू राय के नेतृत्व में महिलाएं जेजेपी में शामिल हुई थी। जिला अध्यक्ष अंजू राय ने पार्टी का झंडा देकर और फूलों के हार पहनाकर स्वागत और सम्मानित किया था। काफी महीनों से काम कर रहे हैं, रीटा जी हैं, दुर्गा जी हैं, ये चेतना जी हैं। हाँ बिल्कुल, चेतना जी हैं, ये पिंजौर से हैं, तो ये आप तो सब जानते हो, इसलिए बताया जा रहा है कि पार्टी तक भी हमारी आवाज पहुंचे कि किन किन को शामिल किया गया है। साथ जिला उपाध्यक्ष की सीट देकर सम्मानित करती हूँ इनके लिए। जो मैं संगठन सचिव बनाकर, हल्का कालका की संगठन सचिव बनाकर इनको मैं पदाधिकारी नियुक्त करूँ। मैं सीता देवी जी को सचिव की अभी सीट दे रही हूँ, अभी मैं सचिव के रूप में इनका समर्थन करूंगी, और अगर ये हमारे साथ अच्छे से कार्य करती हैं तो इनको कोई बड़ी सीट भी दी जाए। अजय चौटाला जी सुप्रीमो, अजय चौटाला जी जिंदाबाद, अजय चौटाला जी जिंदाबाद, डिप्टी सीएम सुशांत चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। पार्टी ने इतनी बड़ी सीट देकर सम्मानित किया, महिला सह जिला अध्यक्ष पंचकुला मुझे बनाया गया, लेकिन मैं महिलाओं के बिना तो कुछ भी नहीं हूँ। जब मेरे साथ महिलाएं चलेंगी और हम लोगों का काम करेंगे, काम कर सकेंगे, तभी हमारी भी कुछ वैल्यू है, और तभी हम पार्टी को भी आगे तक ले जाएंगे, और अपने दुष्यंत चौटाला जी को भी आगे हम सीएम बनने तक उनके साथ खड़े रहेंगे।